झारखंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का काउंसलिंग का नोटिस आ गया है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह ऑफिशियल नोटिस है और यह आज ही आया है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 6 अक्टूबर रविवार को दिन हुआ था। उसका नोटिस आ गया है काउंसलिंग कराने के लिए और आप लोग इसका नोटिस को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आया था यह नोटिस तब ही हम आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिए थे, तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। देखिए यहां पे बोला गया है कि इसको में जो फीस लगेगा काउंसलिंग फीस वो 400 रुपया लगेगा जनरल EWS BC1 और BC2 के लिए, और SC ST फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज के लिए 250 रुपया लगेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से फीमेल है, BC1 BC2 जनरल किसी भी कैटेगरी से अगर आप फीमेल हैं तो आपको 250 रुपया लगेगा काउंसलिंग कराने में, और अगर मेल है BC1 BC2 और जनरल EWS से तो आपको लगेगा 400 रुपया। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, सभी राउंड के लिए यहाँ पे आ गया है डेट। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट राउंड जो है वो 28/10/2024 यानी कि कल से इसका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग ये सब स्टार्ट हो जाएगा। और इसका देखें यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट 2/11/2024 यानी कि 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक लगभग 6 दिन का समय दिया गया है। झारखंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम इसमें 6 दिन का समय दिया गया है, और इसका जो एडिट करने के लिए डेट दिया है वो 3 नवंबर 2024। 3 नवंबर को आप एडिट कर सकते हैं और आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो 5 नवंबर को आ जाएगा। 5 नवंबर को आ जाएगा और आप लोग 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकेंगे फर्स्ट राउंड के लिए, और सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट यानी कि आपको जो सीट अलॉटमेंट होगा उसको में आपको जाकर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन ले लेना है 6 नवंबर से लेकर 14 नवंबर यानी कि लगभग 8 दिन का समय दिया है, 1 हफ्ता का समय दिया हुआ है आपको फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद नीचे आते हैं तो सेकेंड राउंड का भी दिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए इसका जो सीट मैट्रिक है सेकेंड राउंड में वो 17 नवंबर को आएगा। 17 नवंबर को सीट मैट्रिक्स आ जाएगा और 17 नवंबर से 21 नवंबर तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसको में 17 तारीख से 21 तारीख तक, और 22 तारीख को आप एडिट कर सकते हैं। अगर किसी का भी कोई भी फॉर्म भरने में अगर गलत है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप 22 तारीख को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो सीट अलॉटमेंट लेटर जो आएगा वो 24 नवंबर से 30 नवंबर तक कभी भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 24 नवंबर को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आपको एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। और थर्ड राउंड में भी सेम यही प्रोसेस है, 3 दिसंबर को सीट मैट्रिक्स आएगा 3 दिसंबर को, और इसका स्टार्ट भी हो जाएगा 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट 3 से 7 दिसंबर के बीच आप लोग कर सकते हैं, और 8 दिसंबर का एडिट करने के लिए टाइम दिया जाएगा, और 10 दिसंबर का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। 10 दिसंबर को सीट अलॉटमेंट जारी हो जाएगा और आपको जो एडमिशन करने के लिए समय दिया जाएगा वो 10 यहाँ पे देखिए 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 6 दिन का समय दिया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अगर आप लोग ये सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका जो PDF है वो हम टेलीग्राम पर सेंड कर दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।